नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारत के विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, प्रभावी कोरोना प्रबंधन और व्यापक बुनियादी ढांचा विकास संबंधी सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव लाया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। ब्रिटेन की गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने रक्षा सौदे के बिचौलिए संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने की स्वीकृति दी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए इस वर्ष जून से परीक्षण आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली में शुरू। और भुवनेश्वर में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप में आज शाम कोरिया का सामना जापान से और जर्मनी का मुकाबला बेल्जियम से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें भारत के विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, समावेशी विकास के लिए किए गए कार्य, बुनियादी ढांचागत विकास और प्रभावी कोरोना प्रबंधन सहित कई मुद्दे शामिल हैं। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पिछले 8 वर्ष में किस तरह लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के जरिए 22,60,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई और भारत अपनी आर्थिक नीति के कारण आत्मनिर्भर बना है। साढ़े आठ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था। श्री प्रधान ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन का उल्लेख किया गया है कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम करेगी और ये बात उत्कृष्ट तरीके से साबित भी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचारों की स्पष्टता और प्रभावशाली नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किए जाने से समाज का सशक्तिकरण हो रहा है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि किस तरह भारतमाला, सागरमाला, समर्पित मालवाहक गलियारे, उड़ान योजना और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क ने 21वीं सदी के भारत ने बुनियादी ढांचों की क्षमताओं और विकास को बढ़ाया है। श्री प्रधान ने इस बात पर का उल्लेख किया कि वोकल फॉर लोकल, एक जिला एक उत्पाद अब सरकार के मूल सिद्धांतों और नीतियों में शामिल हो चुके हैं। किसानों की बारे में समग्रता से चिंता करना, किसान की मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़े, किसान की उत्पादित चीजों को सटीक मूल्य मिले, इसकी कई योजनाओं को आज सामने लाया गया है। प्रधानमंत्री आज शाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक कल एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई थी। पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस वर्ष 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने का आह्वान किया। बुनियादी ढांचे पर G20 परिषद कार्य समूह की पहली बैठक आज पुणे में संपन्न होगी। बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मंथन कर रहे हैं। प्रतिनिधियों ने समावेशी परिवर्तनों को अंगीकार करने में सक्षम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भविष्य के शहरों को वित्तीय मदद के संबंध में भी चर्चा की। मध्य प्रदेश में G20 के अंतर्गत Think20 समूह की 2 दिनों की बैठक का आज समापन हो रहा है। भोपाल में हो रहे इस सम्मेलन में मंत्री और विशेषज्ञ वैश्विक सुशासन और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, नैतिक मूल्यों तथा शुचिता के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की पहली बैठक कल से 20 तारीख तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। इस दौरान भारत
कोविड महामारी से लड़ाई के लिए प्रौद्योगिकी पर ट्रिप्स यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों के पक्षों से छूट दिए जाने पर सहमति बनाने पर जोर देगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि बडगाम में न्यायालय परिसर के पास सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त दल के एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास करने पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आतंकवादी पिछले सप्ताह एक तलाशी अभियान के दौरान भाग गए थे। आतंकवादियों के पास से AK-47 राइफल और पिस्तौल बरामद की गई। उच्चतम न्यायालय ने जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे के संबंध में दखल देने और वहां के संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इंकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में तत्काल दखल देने से संबंधित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा। खंडपीठ में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला भी शामिल थे। केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक सुधारों से कामकाजी महिलाओं को अनुकूल माहौल मिला है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए डॉ सिंह ने कहा कि केंद्र की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं। पिछले 8.5 वर्षों में उठाए गए महिलाओं पर केंद्रित विशेष कदमों को लेकर डॉ सिंह ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु होने की स्थिति में भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। महिला केंद्रित सुधारों पर मौजूदा सरकारी ज्ञापन का हवाला देते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि किसी महिला के अभिभावक की मृत्यु के बाद तलाक दिए जाने के मामले में यदि अभिभावक की मृत्यु के पहले तलाक की याचिका दायर की गई है तो उस महिला का परिवार पेंशन का हकदार होगा। इसी प्रकार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किसी गुमशुदा कर्मचारी का परिवार FIR दर्ज कराने के 6 महीने के भीतर अब पेंशन प्राप्त कर सकेगा। बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास अभी पटना में है। स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इस यात्रा के सुंदर पलों का आनंद उठा रहे हैं। पर्यटक बिहार के लोगों के आतिथ्य से भाव विभोर हैं। My experience, I without words, because I never had in my life such welcome, and India is incredible. हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यटकों ने आज सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब का दर्शन किया। पर्यटक तख्त श्री हरमिंदर जी का दर्शन करने के बाद भावुक हो गए। My second visit to India, but not my last visit. When we finish our cruise, I will go home, but sure I will come back. And I would like to suggest to every tourist to come here and enjoy the beautiful time, the very happy, welcoming and warm people of India. And it's an amazing experience you can get only in here. It's something unique. And I would like to really recommend everybody to come here. India, it's so an emotional land and I feel so good here. And it touches my heart every day. गंगा विलास क्रूज आज रात पटना में रहेगा। ये क्रूज बेगूसराय के सिमरिया के लिए कल रवाना होगा। ये क्रूज बिहार में 22 जनवरी तक रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन की गृहमंत्री सुएला ब्रीवरमैन ने रक्षा सौदे के बिचौलिए संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने की स्वीकृति दे दी है। भंडारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन और कर चोरी मामले में आरोपी है। वो न्यायालय को दिए गए जुर्माने पर जमानत पर रहा है। लंदन के एक न्यायालय ने भगोड़े हथियार व्यापारी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। भंडारी 2009 में 2,985 करोड़ रुपए के 75 PC-7 प्रशिक्षण विमान खरीद सौदे में भ्रष्टाचार का आरोपी है।
भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए इस वर्ष जून से परीक्षण आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। जातीय संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बांग्लादेश के बिजली राज्य मंत्री नसरुल हामिद ने कहा कि लगभग 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण भारत से डीजल का आयात करने के लिए किया गया है। इस पाइपलाइन का 126.5 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर हिस्सा भारत में है। यह अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन डीजल को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कारपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक पहुंचाएगी। इस पाइपलाइन की प्रतिवर्ष डीजल आपूर्ति क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। पुरुषों के एकल मुकाबले के पहले राउंड में आज दोपहर लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आमने सामने होंगे। महिलाओं के एकल मुकाबले में पीवी सिंधु थाईलैंड की सुपानिदा कैटेथॉन और साइना नेहवाल डेनमार्क की मिया ब्लिचफील्ड के साथ खेलेंगी। पुरुषों के डबल्स मुकाबले में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी अपने पहले राउंड के मैच खेलेंगे। महिलाओं के डबल्स में भारतीय जोड़ी सिक्की रेड्डी और श्रुति मिश्रा 32वें राउंड में जर्मनी की जोड़ी लिंडा एफलर और इजाबेल लोहाउ से हार गईं। ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में खेले जा रहे एफआईएच पुरुष हॉकी विश्वकप में आज कोरिया का सामना जापान से और जर्मनी का मुकाबला बेल्जियम से होगा। राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि देश के युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व की भावना जगाने में राष्ट्रीय कैडेट कोर का योगदान अनुकरणीय है। जनरल चौहान ने आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। राष्ट्र निर्माण और लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने में एनसीसी कैडेटों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश के समुद्री तटों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया। देश की आजादी के 75 वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव विशेष आयोजन सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के दौरान मणिपुर, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में नेताजी के जीवन और कार्यों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में आयोजन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में 1200 से अधिक कलाकार पहले सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के मौके पर इस महीने की 23 और 24 तारीख को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आदि शौर्य पर्व पराक्रम के बैनर तले प्रदर्शन किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में 19 जनवरी से शीतलहर से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल से 20 जनवरी तक हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ या अधिक भागों में कल तक शीतलहर की स्थिति का अनुमान है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के छिटपुट क्षेत्रों में 19 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रह सकता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी एचएस उपाध्याय ने बताया कि घने कोहरे के कारण रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कोहरे तथा खराब मौसम के कारण उत्तर मध्य रेलवे से ओरिजिनेट होने वाली 6 यात्री सेवाएं निरस्त हैं। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे ने विशेष तैयारियां करके रखी हैं, जैसे मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना, दूसरा फॉग सेफ डिवाइस प्रत्येक ट्रेन में लोको पायलट के साथ दी जाती है, जिससे सिग्नल की दृश्यता, सिग्नल के बारे में, लोकेशन के बारे में पहले से पता चल जाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारत के विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, प्रभावी कोरोना प्रबंधन और व्यापक बुनियादी ढांचा विकास संबंधी सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव लाया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। ब्रिटेन की गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने रक्षा सौदे के बिचौलिए संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने की स्वीकृति दी। और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए इस वर्ष जून से परीक्षण आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।